कपिल भाई, अपने में ज्यादा बोलूंगा इतना कुछ बोल चुका हूँ टीम के सामने, अब जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ मैं नहीं बोला क्योंकि पहले ही बोल लिया, अब इनकी बारी है, मेरी सुनने की बारी है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको बताता हूँ एक सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा। कपिल पाजी के साथ मैं एक बार एक शो कर रहा था, तो एक बड़ा गुड बॉय स्टूडेंट, बैंकर्स बैठे हुए थे वहां पे, वो खड़ा हुआ और उसने बोला, ऐसे उसको लगा कि उसकी टर्न आ गया क्वेश्चन पूछने का। उसने कहा, सर 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, सर दैट टोटल, व्हाट डिड यू टेल द बॉयज बिफोर यू वेंट आउट टू डिफेंड दैट स्मॉल टोटल? तो कपिल पाजी को ऑब्वियसली ये सवाल लोग 100 बार पूछ चुके हैं, तो उन्होंने उसको बोला, हाउ ओल्ड आर यू? उसने कहा, सर आई एम 42। व्हाट मार्क्स यू गॉट इन क्लास 12? कहता है, सर 92%। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट बिफोर द फाइनल एग्जाम? तो आदमी कहता है, सर आई डोंट रिमेंबर। इफ यू डोंट रिमेंबर, हाउ कैन आई रिमेंबर फ्रॉम 30 ईयर्स अगो? तो बिल्कुल सीधी बात करते हैं और किसी से नहीं डरते, एंड आई थिंक इट्स नॉट योर वर्ड्स बट दैट एटीट्यूड दैट यू टुक इनटू द 1983 वर्ल्ड कप दैट आई थिंक गॉट अस दैट ट्रॉफी। नाउ ऑल योर टीममेट्स आर सिटिंग ओवर हियर, आई थिंक दे आर ऑल गोइंग टू कम एंड से थिंग्स अबाउट यू। आर यू गेटिंग हैप्पी और आर यू गेटिंग अ लिटिल एम्बैरेस्ड? नो आई एम नॉट एम्बैरेस्ड, आई मीन जो है सो है और ऐसा कोई नहीं कह सकता किसी इंसान ने गलती नहीं की। मैंने बहुत गलतियाँ की होंगी इनके साथ, शायद मेरे पास एक ही चीज़ था, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आया था, ये सब कल्चर बैकग्राउंड से आए थे तो मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर था, तो मेरा वो एग्रीकल्चर आ जाता था उसके लिए मैं तब भी सॉरी कह देता था, आज भी कहता हूँ कि जिस बैकग्राउंड से आए हो वो झलकी आपके सामने आ जाती है, तो कभी कभी मेरा वो एग्रीकल्चर पार्ट आ जाता था। एंड क्रिकेट इज़ प्लेड बाय कल्चर्ड पीपल। आज से 15 साल पहले वो उस वही कल्चर्ड, जब हमने क्रिकेट शुरू की तो ये इंग्लिश में खेली जाती थी क्रिकेट, हिंदी में नहीं खेली जाती थी। तो पहली बार जब मेरे को कप्तान भी बनाया तो बोले, यार इसको कप्तान बनाओगे तो अंग्रेज़ी नहीं बोलता। तो मेरे को अभी तक याद है, मैंने कहा किसी को ऑक्सफर्ड से बुला लो, वो अंग्रेज़ी बोलेगा, मैं क्रिकेट खेल लूँगा। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे दौर में थोड़ी तब्दीली आई कि पहली बार टीम मीटिंग में तो इंग्लिश बोलता ही नहीं था, आता भी नहीं था, और ये सारे टीम वाले कैच पकड़ते होते थे कि आज क्या कैच देगा इंग्लिश में। सो मैं कहता था, ठीक है भाई आप पकड़ो, कोई बात नहीं। बहुत कैच इन्होंने पकड़े और बहुत मज़ा किया। सिर्फ इतना कहूँगा हमारी अपनी टीम के लिए, वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हम कभी भी नहीं बताना चाहते। नो आई डोंट नो, ये सब कुछ बता रहे हैं कैसे निकलेगा शायद अब तो 25-25 साल शादी के हो गए हैं, छोड़ेगी भी नहीं कोई आई थिंक जिमी ने बहुत कुछ कहा, वो देखते थे वो एक और पिक्चर बनेगी 1983-2, वो सेंसर्ड ही होगी पिक्चर हम कभी भी नहीं बताना चाहते। हमारा एक ही क्रिकेट में रहा है कि कुछ चीज़ें अगर हम ना कभी शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि ना ही शेयर करें तो बहुत अच्छी होंगी, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत इन्जॉय किया। बिल्कुल सही श्रीकांत ने कहा कि हम गए थे वहाँ खेलने के लिए, ज़रूर था, मैं कैप्टन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाँ जीतना है, फतूर था, बाकी तो कुछ नहीं था। शायद हार्ट इन हार्ट वी ऑल न्यू कि इतनी हमारी टीम बड़ी नहीं है, लेकिन एक ही टीम कहूँगा इस 83 के बारे में, हाफ वे थ्रू द टूर वी रियलाइज वी हैव अ टीम। जब हमारी टीम पिक हुई थी शायद हमें भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाफ वे वंस वी रीच कपल ऑफ मैचेस वी वन, आफ्टर दैट
I think I wasn't a captain. Whole team was a captain. They start deciding क्या करना है. और उसके बाद सिचुएशन जब आपका बॉल इज रोलिंग ऑन योर साइड देन नथिंग कैन गो रॉन्ग. आई थिंक एवरीबडी प्लेड देयर रोल. दे प्लेड वेरी वेल. एंड वी वॉन्ट टू से थैंक्स टू विष्णु एंड ऑल द पीपल. यू आर मेकिंग द मूवी ऑन आस. आई थिंक दैट्स द बिग थिंग. एंड एज श्रीकांत तो यश सेड लेट्स नॉट टॉक टू मच अबाउट हियर. यू मस्ट सी दैट. Lot of stories will come out which we will be embarrassed also and we will be happy also. Perhaps 20 saal pehle main ye baatein nahi kehta Kabir ko jo main aaj keh sakta hu. Isliye aap apne aap ko kab pehchante ho wo bahut zaruri hai. I think we realize ourselves during the tour of 83. Yes, we have a team. Thank you so much Kapil bhai. Thank you so much. Thank you to you. How am I going to do this? Ek drip laga lo abhi. Yahan se yahan. Sir, it is my honor and my privilege to be a part of this film. One of the greatest sports stories and one of the greatest stories of our country. Thank you so much for letting us tell your story.